समाचार पर खबरों का सिलसिला। ये खबर राजधानी भोपाल से। विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत ने नवरात्रि के पावन पर्व पर झांकियों में संशोधन किया जाए उसी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि बसें, होटल, भोजनालय, राजनीति सभा, शराब सभी चालू है। इन सब पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। विश्व कोरोना महामारी की भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारे देशवासी भी इससे बचाव के लिए सुरक्षात्मक सावधानी बरत रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन द्वारा झांकियों को दी गई गाइडलाइन से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संतुष्ट नहीं है। इससे हिंदू समाज में आक्रोश बना हुआ है। इसी प्रकार के अनेक आरोप लगाए गए। सरकार पर और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। भोपाल से संवाददाता हर्ष कुशवाहा की रिपोर्ट। सुशील फुडेले, बजरंग दल, मध्य भारत प्रांत संयोजक। मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदू समाज की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए नवरात्रों के अंदर 6 फीट की मूर्ति विराजमान हो इसके लिए और 10x10 के पंडाल का आदेश पारित किया। हम इस आदेश के लिए और नवरात्रों में माँ जगदम्बा की आराधना हो इसके लिए उनके आदेश का स्वागत करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। लेकिन 6 फीट की मूर्ति के साथ में ही कई मूर्तियां जो भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर अन्य अन्य जिलों पर, अन्य अन्य जिलों में कई जो आकार बढ़ गए हैं, कोई 7 फीट हो गया है, कोई 8 फीट हो गया है, उन मूर्तियों का क्या करेंगे? क्योंकि महीनों पहले से वह मूर्तियां बनती हैं, एक दिन में वो मूर्ति का आकार नहीं लेती। साथ ही 6 फीट की मूर्ति के साथ में 10x10 का वह पंडाल, जिस पंडाल के अंदर के में माँ के जवारे बोए जाते हैं, पूजन सामग्री रखी जाती है, अखंड ज्योत जलती है, माँ की प्रसादी होती है, माँ का पूजन होता है, 10x10 का वो पंडाल बहुत छोटा है। इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर और कलेक्टर महोदय को विश्व हिंदू परिषद की ओर से, बजरंग दल की ओर से ज्ञापन दिया है कि इस आदेश में परिवर्तन किया जाए। 10x10 का वह पंडाल बहुत छोटा है, इस पंडाल को की सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और जो मूर्तियां बन चुकी हैं वर्तमान में उन मूर्तियों को विराजने के लिए आदेश पारित किया जाए। इस हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हमने यहां पर कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। अगले चरण में गृह मंत्री जी से अभी हमारी बातचीत हुई है, तो कल ही हम गृह मंत्री जी से मिलने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलने वाले हैं। और विश्व हिंदू परिषद यह आग्रह भी करता है कि लाखों हिंदू समाज के वोटों से बनी हुई यह सरकार हिंदू जन भावनाओं का ध्यान रखे, ख्याल रखे, इसलिए अपने आदेश के अंदर वो संशोधन करे। नहीं करते हैं संशोधन तो आप आगे क्या रणनीति? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की संतों के मार्गदर्शन में चलने वाला वह संगठन है। अगर समाज और संत कहेंगे कि इसके लिए यदि हमें कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो विश्व हिंदू परिषद वचनबद्ध रहेगा और हम आंदोलन करते हुए सड़कों पर भी आएंगे। आपका नाम परिचय? सुशील फुडेले, बजरंग दल प्रांत संयोजक, मध्य भारत। Right now and press the bell icon. Never miss an update.